आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र नाम के स्ट्रीटर पर लूट, डकैती, गैंगस्टर समेत 5 मुकदमे दर्ज। मैनपुरी में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बदमाश पेट्रोल पंप पर लूट को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान स्वाट टीम ने बदमाशों से उनकी मुठभेड़ हो गई। बरेली में शादी से इनकार करने पर सिरफिरे ने इंटर की छात्रा की गला रेत कर हत्या कर दी। 2 दिन पहले हुई छात्रा की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरदोई के खेत पर काम कर रहे 2 किसानों को शराब के नशे में जहरीला पदार्थ पिला दिया गया, जिसके बाद दोनों किसानों की मौत हो गई। मामला बघोली थाना क्षेत्र के जजेरा गांव का है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गाजियाबाद के राकेश मार्ग स्थित सराफा दुकान पर बदमाशों ने लूट की कोशिश की, नाकाम होने पर चलाई गोली। सुनार के बेटे को छूते हुए निकली गोली। मौके पर पहुंची पुलिस। सिहानी गेट थाना क्षेत्र के राकेश मार्ग की वारदात। फतेहपुर में हिंदू लड़की को दिन दहाड़े मुस्लिम युवक मिर्जा साबिर ने किया है अगवा। मृत लड़की के पिता ने अपहरण सहित धर्म परिवर्तन के बाद निकाह किए जाने का दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस ने मिर्जा साबिर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गाजीपुर थाना क्षेत्र की वारदात। अमरोहा में मासूम को सगे चाचा और चाची ने मौत के घाट उतार दिया। घटना गजरौला थाना इलाके की। घटना की सूचना मृतक के परिजनों ने पुलिस को दी। गाजीपुर में पुलिस ने बोर्ड परीक्षा में किसी और की जगह एग्जाम दे रखे 2 सॉल्वर समेत 6 लोगों को पकड़ा है। मामला सैदपुर तहसील के केदारनाथ इंटर कॉलेज धुरजन का है, जहां सॉल्वर्स के पास से 5 मोबाइल और इंटर की भौतिक विज्ञान की लिखी हुई कॉपी बरामद हुई। फतेहपुर में बोर्ड परीक्षा के दौरान बड़े भाई की जगह हाईस्कूल की परीक्षा दे रहे नकलची को फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले किया। केंद्र व्यवस्थापक की तहरीर पर पुलिस ने नकलची के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। फरुखाबाद में पुलिस ने 3 साल के बच्चे के अपहरण के मामले को सुलझा लिया है। साथ ही देर रात बच्चे को सकुशल बरामद भी कर लिया। बच्चे को अपने पास पाकर मां खुशी से रो पड़ी। मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने एक्सिस बैंक के एटीएम को कटर से काटकर लाखों रुपए की नकदी पर किया हादसा। पुलिस और एक्सिस बैंक की आईटी सेल की जांच में भारी मात्रा में नकदी चोरी की बात सामने आई। गैस कटर से काटी गई मशीन जली हालत में मिली। बस्ती के कप्तानगंज थाने के मदनपुरा गांव में कलयुगी बेटे ने अपनी मां को पीटा है। बीच बचाव कर रहे भाई का भी चाकू से होंठ काट दिया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमीन बंटवारे को लेकर 3 भाइयों में चल रहा था विवाद। सहारनपुर पुलिस का बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने 5 बदमाशों को 2 अलग अलग मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। 3 अप्रैल को बदमाशों ने दिन दहाड़े शहर की 5 कॉलोनी में लूट को अंजाम दिया था। अंबेडकर नगर में बुलडोजर चलने के डर से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों ने खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने बुलडोजर लेकर पहुंची थी पुलिस। गांव में माइक से सरेंडर न करने पर कार्रवाई की दी गई थी चेतावनी। श्रावस्ती पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया। चोरी से संबंधित सामान बरामद। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में कार्रवाई कर जेल भेजा। थाना कोतवाली भिनगा के मंद्रहवा गांव का मामला। अमरोहा के थाना गजरौला में रिश्ते हुए कलंकित सके चाचा ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर 7 साल की मासूम की पीट पीट कर हत्या कर दी। गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। शव को मृतक के पिता ने खेत में दबा दिया। बरेली में नेटवर्किंग कंपनी के एजेंट का अपहरण कर गला दबाकर हत्या। युवक को निवेश के लिए बार बार फोन करता था एजेंट। परेशान होकर युवक ने की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बीएससी का छात्र है आरोपी। मुजफ्फरनगर में बृहस्पतिवार को बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने पारसी बस स्टैंड के पास से 4 छात्र महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। छात्र महिला चोरों से 41,000 रुपए बरामद किए गए। बुर्का पहनकर बुजुर्गों को बनाती थी निशाना। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई।